जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, 26 दिसंबर के दिन सूर्य ग्रहण होने वाला है। नॉर्मली मैं ग्रहण पर वीडियो नहीं बनाता हूं, बिकॉज मेरा थोड़ी सोच अलग है ग्रहण को लेकर, लेकिन ये मुझे बनानी पड़ी बिकॉज मेरे पास काफी फोन आए कि सर, ये एक बहुत बड़ी इवेंट होने जा रही है, आपकी इस पे क्या ओपिनियन है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा जितना थोड़ा बहुत मुझे आता है मैं आप लोगों के साथ साझा करूं कि ग्रहण को देखा कैसे जाना चाहिए, क्या क्या बातें बताई गई हैं और कितनी चीजें भ्रांति भी है जिसकी वजह से बिना बात का भय बन जाता है। तो और विलंब ना करते हुए आइए आज इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे, पहली तो ये कि इस ग्रहण से जुड़ी क्या क्या चीजों का हमें ध्यान देना है। जो पर्टिकुलर ग्रहण 26 तारीख का है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी अवेलेबल है ऑनलाइन सोर्सेज में, डिफरेंट जगह से आप उसको देख सकते हो, यहाँ पर भी मैं उसे कवर करूंगा। दूसरा हम ये करेंगे कि सामान्यतः ग्रहण के बारे में क्या कहा गया है कि कोई भी एक्लिप्स हो उसको कैसे देखना चाहिए। तीसरा, किस राशि और नक्षत्र पर इसका प्रभाव अधिक है इस बार। और जब मैं इस बार के बारे में बात करूंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि जब आप अगली बार भी ग्रहण पड़े तो उसे कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा 6 ग्रहों की युति है इस बार ग्रहण पर, तो क्या वो सचमुच इतनी प्रभावशाली है कि जितना नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है कि भाई सिचुएशन हर एक व्यक्ति के लिए खराब होगी, तो ऐसा क्या है या नहीं, और अगर नहीं तो अगर है तो कितना। इसके अलावा ग्रहण में क्या करे क्या ना करे, जो जो बातें मुझे मेरे बड़ों से सुनने को मिली, मेरे गुरुजन से सुनने को मिली या पढ़ने को मिली, वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये कुछ विषय रहेंगे जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं पहली जानकारी से। जैसा कि आप जानते हैं 26 दिसंबर को जो ग्रहण पड़ता है, लगभग 8 बजे से चालू होगा सुबह और 11 बजे तक रहेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण है ये। जब भी ग्रहण लगता है, हाँ ये ध्यान रखिएगा, सूतक के बारे में आपने सुना होगा। सूतक वो काल होता है जिसमें मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और उस टाइम पीरियड को बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता। तो सूतक सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले लगता है और चंद्र ग्रहण में ग्रहण से 5 घंटे पहले। तो अगर ये सूर्य ग्रहण है क्योंकि, तो 25 दिसंबर रात्रि 8 बजे से ही चालू हो जाएगा। ये जो ग्रहण है वो धनु राशि में पड़ रहा है, तो धनु राशि के जातकों को थोड़ा संभल के रहना है। अभी बात करेंगे इस बारे में। ये ग्रहण मूल नक्षत्र में आ रहा है और इस ग्रहण के समय राहु के साथ 6 और ग्रह मौजूद है, या यूं कहूं 5 और ग्रह मौजूद है, क्षमा कीजिएगा। तो कुल मिला के 6 ग्रहों की युति है। तो ये बताया जा रहा है कि 6 ग्रहों की युति वाला जो ग्रहण होता है बहुत ज्यादा खराब होता है। देखिए, कोई ये ऐसा रेयर फिनोमेना नहीं है। अगर आप देखें तो अगले साल भी 14 दिसंबर के दिन ऐसा ये ग्रहण पड़ने वाला है जिसमें 4-5 ग्रह उस दिन भी साथ में है उसके। और वो इंडिया में अपियर नहीं हो रहा है, वो दूसरे क्षेत्रों में दिखाई देगा, लेकिन 4 ग्रहों की युति तब भी है। और अगर आप एक बार सोचें कि अगर सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य के साथ नॉर्मली बुध और शुक्र तो आप सोचिए पैकेज में आते हैं। बुध तो आप जानते ही हैं कि शुक्र के साथ सूर्य के साथ साथ रहता है, एक एक लिमिटेड रेंज में ही वो मूव कर सकता है। सेम वे शुक्र भी बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तो जब भी ग्रहण लगता है संभावनाएं रहती हैं कि शुक्र बुध और सूर्य तीनों आ जाए लपेटे में। इस बार 2 और इंपॉर्टेंट ग्रह आ रहे हैं, शनि और गुरु, और इस बार शुक्र नहीं आ रहा है, क्षमा कीजिएगा, शुक्र बच गया वो उससे अगली राशि में। तो कुल मिला के 6 ग्रहों की युति का जो सिचुएशन है वो कैसे हम डील करेंगे, अभी बात करते हैं इस बारे में। देखिए, जब ग्रहण लगेगा तो ये कुंडली होगी, सुबह सुबह जिस समय ग्रहण लग रहा है उस समय धनु लग्न ही चल रहा होगा और उसी में ये 6 ग्रह बुध चंद्र सूर्य गुरु केतु और शनि ये साथ होंगे। अच्छा, इससे अगले भाव में शुक्र होगा, इससे पिछले भाव में मंगल होगा स्वराशि का, शुक्र होगा मित्र राशि का। आगे बढ़ते, जब ग्रहण खत्म हो रहा होगा तो स्थिति ये होगी, कुंभ लग्न चल रहा होगा उस समय और लाभ भाव में 11वें घर में इन 6 ग्रहों की युति होगी। इस कुंडली में दशम भाव में दिग्बली उस समय मंगल चल रहा होगा और योग कारक शुक्र कुंभ लग्न के लिए 12वें में होगा। आइए अब बात करते हैं ग्रहण से जुड़ी और बातों के बारे में। ग्रहण होता क्या है? देखिए, मैं यहाँ पर उसका एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट बताने नहीं आया हूं, पर फिर भी एक बार के लिए आपको बता दूं, जब भी पृथ्वी
और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है एक सीधी रेखा में तो चंद्र ग्रहण होता है। ये हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, डायग्राम भी बनाते थे अगर याद हो तो, और हम जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी वो अभी भी बना रहे होंगे। तो वो ग्रहण काल होता है। आप लोगों को पता होगा कि सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, इसका अर्थ ये है कि 12 महीने में सूर्य अपना पूरा चक्कर कर लेगा, 12 राशियों में चला जाएगा। अब उनमें से किसी ना किसी राशि में राहु भी होगा, किसी ना किसी राशि में केतु भी होगा। तो जब वो राहु के पास जाएगा या केतु के पास जाएगा, और उस समय अगर अमावस्या या पूर्णिमा आती है जो कि आएंगी, उस समय ग्रहण की संभावनाएं होती है। तो अगर हम औसतन देखें तो हर एक साल में 2 ग्रहण तो पड़ते ही हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि कुछ एक आपके क्षेत्र में नजर आ रहा हो, एक आपके क्षेत्र में ना आके दूसरी जगह नजर आ रहा हो। इसी तरह 2 चंद्र ग्रहण भी पड़ने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, कई बार 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये फिनोमिना साल में 2 बार होने तो एवरेज है ही, और इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं होती कि भैया ग्रहण हो गया तो सारी स्थितियां बिगड़ जाएंगी। आगे देखते हैं। इसके अलावा ग्रहण का असर संहिता शास्त्र में अधिक महत्वपूर्ण है। ये संहिता शास्त्र क्या होता है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी को 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है मैथमेटिकल पार्ट, उसे बोला जाता है सिद्धांत। दूसरा पार्ट होता है संहिता, जो एक देश पर, एक कम्युनिटी पर, एक पूरे रीजन के लिए प्रिडिक्ट किया जाता है कि भाई ये सुनारों के लिए समय कैसा रहेगा, ये रियल एस्टेट के लिए टाइम कैसा है, ये दिल्ली के लिए टाइम कैसा है, ये अर्जेंटीना के लिए टाइम कैसा है, मतलब क्षेत्र के हिसाब से और कम्युनिटी के हिसाब से प्रिडिक्ट किया जाता है, उसे संहिता बोलते हैं। और एक अपना होता है होरा शास्त्र, जिसमें इंडिविजुअल का चार्ट देखा जाता है और उसको बताया जाता है कि आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या कमियां हैं। तो अधिकतर इसके बारे में ग्रहण का जब भी बात होती है तो संहिता में बताया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी ये ग्रहण मूल नक्षत्र में पड़ रहा है। मूल के लिए कहा गया कि जो व्यक्ति अपने पास शस्त्र रखते हैं वो मूल नक्षत्र के द्वारा रूल किए जाते हैं। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो जो वेपन्स रखने वाले व्यक्ति है उन लोगों के ऊपर ये ग्रहण का असर ज्यादा नकारात्मक होगा। इसी तरह कुछ क्षेत्र बांट दिए जाते हैं कि जैसे पश्चिमी भारत मूल नक्षत्र के अंडर आता है, तो जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का उसके ऊपर कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए बताया गया है कि 2 महीने से 3 महीने के मध्य ये इसका इन्फ्लुएंस नॉर्मली देखा जाता है। तो संहिता में तो इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लेकिन हम इंडिविजुअल चार्ट में जब देखते हैं तो इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंस उसको नहीं दी गई है, क्योंकि इंडिविजुअल चार्ट में आपके पास दशा है, आपके पास कुंडली की कैपेबिलिटी है कि भाई कुंडली में आप क्या लेकर आए हो, उसी के आधार पर तो अच्छा बुरा समय आएगा। तो होरा में इसकी संभावनाएं थोड़ी कम बताई गई है, यूं कहूं कि इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं बोला गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिस नक्षत्र में ग्रहण पड़े उसका विचार आवश्यक है। जैसे मैंने बताया मूल में है तो मूल के जो कम्युनिटी है, जो मूल के द्वारा रूल की जाती है, उनपे तो है ही, लेकिन जिनका मूल नक्षत्र है तो हाँ उनको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय पर अगर आप लोगों ने जो भी अगर आपका जन्म नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र मतलब चंद्रमा का नक्षत्र, तो उसी पर ग्रहण आ रहा है, इसका अर्थ है सामाजिक छवि पर बट्टा लगने की संभावनाएं होती है। कोशिश कीजिए कि उस समय अवधि में कोई ऐसा कार्य ना कीजिए जिसमें जिम्मेदारी आपके ऊपर हो, जिसमें आप लीड कर रहे हो। आपको पता होगा पहले जॉइंट फैमिली का कल्चर था, वहां पे क्या होता था कि एक कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू घर चला करते थे, या कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू चीजें हुआ करती थी। तो वहां अगर एक ही कुंडली में मूल नक्षत्र पे ग्रहण आ भी गया तो दूसरा भाई या तीसरा भाई या चाचा या ताऊ या पापा फादर कोई भी आगे लीड ले लेते थे, और वो एक कुछ समय जो खराब भी होता था वो इतना बुरा नहीं रहता था। पर अगर अब किसी व्यक्ति पे समस्या आ जाए, जब न्यूक्लियर फैमिली है तो वो पूरे परिवार पे पास ऑन हो जाती है। इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि कोई जिम्मेदारी भरा काम इन 15-20 दिनों में ना करे, ग्रहण से तकरीबन 15 दिन पहले से तकरीबन 15 दिन बाद तक। 15 दिन ही क्यों, यहाँ पे 2-3 प्रिंसिपल है। या एक काम करते हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब कभी बहुत सारे ग्रहों की युति हो और ग्रहण का प्रभाव जैसे बताया जा रहा है वो स्थिति हो तो कैसे करना है। जो ग्रह ग्रहण के समय सूर्य और राहु केतु के मध्य आए उनसे जुड़े कारकत्व का विचार अवश्य कीजिए। अर्थात
जब ग्रहण पड़ता है, हम जानते हैं कि ग्रहण चंद्रमा और सूर्य को लगता है। उसका कारण भी है कि ये उनके पात बिंदु हैं। टेक्निकल पार्ट में नहीं जाते हैं। अगर सूर्य और राहु के बीच में डिग्री वाइज अगर कोई ग्रह फंस रहा है इन 6 ग्रहों में से, तो उसके कारकत्वों को लेकर विशेष ध्यान रखें। अगर कोई इन दोनों के बीच में नहीं फंसा है तो संभावना उसके खराब होने की कम है। अब जैसे ये पत्रिका आपके सामने है जो उस दिन ग्रहण की है, तो देखिए यहाँ पर केतु 14 डिग्री का है और सूर्य 9 डिग्री 51 मिनट का। अब इन दोनों के मध्य अगर कोई ग्रह है तो वो है गुरु, 11 डिग्री 10 मिनट पर। बाकी जो भी ग्रह है वो इन दोनों के मध्य नहीं आए हैं, या तो उससे पहले है या उसके बाद है। ऐसे में जो प्रभाव पड़ेगा वो गुरु के कारकत्व पर पड़ेगा। अब क्योंकि ये ग्रहण पड़ भी धनु राशि में रहा है, ऊपर से गुरु भी इसके मध्य आ गया, तो धनु राशि के लिए ये बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। दूसरा, कारकत्व जो है गुरु के, जिन जिन चीजों से गुरु जुड़ा हुआ है, विद्या है, गुरु है, धर्म है, तो इन सब चीजों को लेकर स्ट्रेस बढ़ेगा सोसाइटी में। वो चीज यहाँ पे नजर आती है जब गुरु बीच में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यदि ग्रहों के भोगांश राहु केतु से 10 डिग्री से भी अधिक है, या तो 10 डिग्री ज्यादा है या 10 डिग्री कम है, ऐसी स्थिति में ग्रहण का कोई प्रभाव उन पे पड़ता देखा नहीं जाता। जिन लोगों का चार्ट मैंने देखे हैं, जिन लोगों से मेरी बातें हुई हैं, जब कारकत्व का मैंने विचार किया तो क्या पाया कि जो राहु केतु से 10 डिग्री से ज्यादा डिग्री के फर्क में है उनके ऊपर ग्रहण का कोई खास प्रभाव नहीं होता, अगर सेम राशि में हो तब भी। अब इस पत्रिका में यदि ध्यान दें तो केतु 14 डिग्री का है, शनि 26 का है, यानी कि 12 डिग्री का फर्क है केतु और शनि में। केतु 14 डिग्री का है और बुध 1 डिग्री का है, तो उन दोनों में भी तकरीबन 12 डिग्री का फर्क है। तो ऐसे में शनि और बुध के ऊपर इन इस जो ग्रहण पड़ रहा है उसका प्रभाव कम आएगा, या यूं कहूं मैंने नहीं देखा उसके ऊपर प्रभाव आते भी, क्योंकि जो बीच में पार्ट है उसमें फंस गया तो दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि ग्रहण में वो भी वेद हो गया उस बेचारे का, लेकिन जो बाहर है वो इस चीज से बच जाते हैं। आगे बढ़ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रहण के बारे में जब इतना नकारात्मक बोला जाता है तो ये चीज भी देख लेनी चाहिए। जिस राशि से 11वें एवं तृतीय भाव में अधिक ग्रहों की युति हो तो उस राशि को विशेष लाभ पहुंचता है। ये मैं नहीं कहता, अर्गला स्तोत्र में दिया, अर्गला में दिया हुआ है, क्षमा कीजिएगा मैं अपना पाठ में पहुंच गया था। अर्गला करके कॉन्सेप्ट होता है, उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो जिस राशि से 11वें में या 3रे में ज्यादा ग्रह हो उसका फायदा होता है। 3रे में क्रूर ग्रह हो तो फायदा होता है, और 11वें में तो सभी तरह के ग्रह चलते हैं। अब अगर उस दिन की कुंडली दोबारा देखें तो कुंभ राशि से 11वें घर में ये इतने ग्रहों की युति है, और शनि की डिग्री, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा जो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, वो केतु से लगभग 12 डिग्री आगे है। और जैसा कि हम सब जानते हैं केतु उल्टा चलता है, तो केतु इज नॉट मूविंग टुवर्ड सैटर्न। तो अगर वो केतु सैटर्न की तरफ नहीं जा रहा है तो संभावना नहीं है कि वो शनि के ऊपर या शनि के कारकत्व में प्रभाव डाल पाए। यहाँ पर कुंभ राशि का लग्न का स्वामी शनि या कुंभ राशि का स्वामी शनि अपनी राशि को देख भी रहा है, तो इस स्थिति में कुंभ राशि के लिए ये समय खराब नहीं है, अपितु तो कुछ अच्छा ही होने के योग है। इसी तरह अगर आप तुला राशि का विचार करें तो तुला राशि से 3रे भाव में इन सब ग्रहों की युति हुई। अब यहां केतु का प्रभाव, क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य केतु का योग है, केतु का प्रभाव ना तो तुला राशि पर है ना शुक्र पर है, या यूं कहूं शुक्र राशि और राशि का स्वामी दोनों उससे बचे हुए हैं। आपको एक चीज और कहूंगा, अगर कभी मौका लगे तो उस दिन की कुंडली बनाइएगा और देखिएगा। अगर अष्टक वर्ग में आप ये डिटेल डालें और अष्टक वर्ग के द्वारा देखने की कोशिश करें तो यू विल सी कि लग्न को, तुला राशि को 44 बिंदु मिल रहे हैं उस दिन, 44, जो कि कोई छोटा नंबर नहीं होता। जो लोग अष्टक वर्ग जानते हैं उन्हें इस बारे में पता होगा कि 28 से ऊपर को हम अच्छा मानते हैं, तो 44 पहुंच गया। तुला राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए इतना घबराने की कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर ग्रहण है जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि होगा होगा साल में 2 बार होगा, तो उसके बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है? वो कहते हैं अगर सामान्य दिन में आप कोई जब ध्यान दान आदि करते हैं तो उसका कई गुना फल चंद्र ग्रहण में मिलता है। अब उन्होंने 1 लाख गुना कहा है, मैं इतने गुना मिलता है कि नहीं भाई मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन एटलीस्ट ज्यादा मिलता है। तो उस समय अगर आप कुछ डोनेट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोई मंत्र साधना करते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना आपको मिलेगा, फायदा रहेगा उसका। तो उसको यूटिलाइज कीजिए, उसको यूटिलाइज कीजिए अपने इष्ट को याद करने के लिए। उस समय पर 10 बजे से 11 बजे के मध्य हो सके तो जो पाठ आपने लिया हो, जो कोई गुरु मंत्र आपको मिला हुआ हो, उसका जाप करें, बहुत फायदा रहेगा। और उसके साथ ये भी लिखा है कि अगर गंगा जल उस समय पास में हो व्यक्ति के, तो उसका जो फल है वो भी कई गुना बढ़ जाता है। तो आप अपने पास गंगा जल रखिए, समीप रखिए, आचमन कीजिए उससे, और उसके बाद इसका पाठ स्टार्ट कीजिए। जब ये ग्रहण खत्म हो जाए तो उसके बाद सूर्य के दर्शन करके भोजन ग्रहण कीजिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ग्रहण के समय कोई भी शुभ व नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। भाई देखिए, साल में अगर 2 दिन कुछ घंटों के लिए ग्रहण पड़ रहा है तो क्या परेशानी है उस समय को टालने में? मेरा कहने का मतलब यह है, यदि आपने गाड़ी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई मेजर काम करना है, तो जरूरी है उसी दिन करना। मतलब अगर आप इसकी परसेंटेज निकाले तो 1% भी नहीं है ये साल का, इतना समय ग्रहण वाला, तो अवॉइड करने में जाता क्या है? तो आप इस समय कोई शुभ कार्य ना करें, नया कार्य ना करें, और जो मेटलिस्टिक वर्ड से जोड़ने वाला काम हो उससे थोड़ा बचे। इसीलिए कहा गया इस समय सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए मना किया गया। इसी समय पर यह भी कहा गया कि भाई जो भी भौतिक दुनिया से जुड़ी चीजें उनसे दूर हो जाइए और वापस अपने जहां से आप आए उस तरफ ध्यान लगाइए। तो ये कहा गया। आगे देखते हैं। इस अवधि में भोजन ना करें, 2 से 3 घंटे की अवधि है, 3 घंटे भोजन ना करें, इससे पहले या इसके बाद कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है इससे पहले पके हुए भोजन को ना ग्रहण करें, उसके बाद फ्रेश बना के खा ले, फलाहार कर ले, तो वो आपकी इच्छा है, जैसे आप इसको करना चाहें। अब मैं इन बातों को रिपीट करूंगा जो जो मैंने अभी कहा, और दोबारा कहूंगा कि ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, हर साल में 2 बार कम से कम होता है, कई बार आपको दोनों बार आपके क्षेत्र में पड़ जाता है, कई बार नहीं भी पड़ता है। तो अगर है तो उसको किस तरह देख सकते हैं? ग्रहण का असर संहिता शास्त्र में ज्यादा है, होरा में कम। जिस नक्षत्र में ग्रहण पड़े उसका विचार करना चाहिए, मूला में है इस बार, उसको देखना है। जो ग्रहण ग्रह ग्रहण के समय सूर्य और राहु केतु के मध्य है, उनसे जुड़े कारकत्व का विचार अवश्य कीजिए इस अवधि में। यदि भोगांश ग्रहों के भोगांश राहु केतु से 10 डिग्री से ज्यादा फर्क वाले हैं तो वहां पर ग्रहण का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। जिस राशि से एकादश व तीसरे भाव में अत्यधिक ग्रह हो, जैसे फिलहाल है, उस राशि को विशेष लाभ पहुंचता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगा आप लोगों के साथ साझा करने चाहिए। मेरा ये निवेदन रहेगा आप लोगों से, यदि आपका भी कोई ऐसा जानकार है जो ग्रहण से बहुत डरा बैठा है या उसके मन में भी खौफ बैठ गया है, तो उसको ये जरूर भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, शायद उसका भय थोड़ा कम हो। यदि यह वीडियो शिक्षाप्रद लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक करना ना भूलें। और ऐसे और वीडियो के लिए जो ज्योतिष से संबंधित है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और वीडियो में किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।